नजर बंद कर दिया गया है, ना उपचुनाव में दिखा है ना झारखंड के चुनाव में। लालू प्रसाद ये स्वास्थ्य कारणों से घोषित रूप से इलाजरत है, अभी तत्काल में उनका बाईपास सर्जरी हुआ है। लालू प्रसाद जी के बारे में जो ये बात कहने वाले लोग हैं, कौन पार्टी, जदयू पार्टी, ये कोई पार्टी है, ये बटोरुआ पार्टी, सत्ता लोभी सब, एक पागल को लेकर के एक घंटा निकलता है कभी कभी, वो भी अभी तक चुनाव में दिखे नहीं नीतीश कुमार। अपने नेता के बारे में जो बिहार का मुख्यमंत्री है, हमारे तो नेता बीमार है, उनका इलाज चल रहा है, सभी बिहार जानता है देश, लेकिन उनके नेता जो कैद में हैं चंद नौकर शाह और कैबिनेट मंत्रियों के अघोषित रूप से, उनको चंगुल से बाहर कैसे निकले, बिहार की जनता सोच रही है और इलाज कर देगी। अब हम उनकी जनता हमेशा वोट देती है, हम लोग को आगे भी देगी, बहुमत से देगी। कोई गलती से कभी 50-70 साल में एक दो बार कोई जीता होगा विरोधी, गलती से जीता। रामगढ़ हमेशा समाजवादियों का गढ़ है और यहाँ न्याय, ईमानदारी और विकास पर वोट पड़ता है, और इसी एजेंडा पर कोई मुकाबले में नहीं है अजीत के। जो लोग लड़ने वाले हैं उनके आप पूरे राजनीतिक इतिहास को देख लें तो अभी तो जो पूर्व विधायक जो भाजपा जिनको हराए थे, उनका तो अभी DSP उनका दामाद था जो अभी जेल गया है रंगे हाथ, उसको CBI पकड़ी है, उनके दो दो भतीजों को जेल में डालने का काम किया है CBI ने। तो ऐसे भ्रष्ट लोगों को कौन वोट देगा रामगढ़ में? रामगढ़ हमेशा ईमानदार और न्याय पर रहने वाले लोगों को वोट देता है। सनातन बहुमत में तब तक लोकतंत्र मजबूत है। ये जो लोकतंत्र विरोधी RSS, गोवलकर के वंशज, सावरकर के वंशज, लोकतंत्र विरोधी, ये देश की आज़ादी के खिलाफ थे, आज तक तो माफ़ी नहीं मांगा। RSS के लोग तो देश को स्वतंत्र 2007 में सुप्रीम कोर्ट के दबाव में माना, तब तिरंगा फहराया अपने मुख्यालय पर। ये देश की जनता ने जब डोज दे दिया है तो इनको लोकतंत्र याद आ रहा है, नहीं तो ये तो कह रहे थे कि हम संविधान बदलेंगे, 400 पार का नारा लगा रहे थे संविधान बदलने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।